रसू नेग्रो, हर खरीदारी पर पाए निश्चित उपहार। नमस्कार, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल, सौभाग्यम ज्योतिष कार्यालय लोअर ढाबर कुल्लू से। दर्शकों, आजकल गणेश उत्सव चल रहा है और भगवान श्री गणपति जी का पूजन का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास से जगह जगह पर, हर घर पर मनाया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गणेश उत्सव में पूजन भगवान गणपति का कैसे करें और किस तरह से भगवान गणपति जी प्रसन्न किए जा सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जब भी आप भगवान गणपति का पूजन करें तो आप भगवान गणपति को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। यदि हम भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाते हैं तो उससे भगवान श्री गणपति प्रसन्न होते हैं और प्रत्येक परिवार के सदस्यों को आजकल गणेश उत्सव के मुहूर्त में अपने घर पर ही गणपति को दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आप भगवान गणपति को स्नान करावें, भगवान गणपति को नूतन वस्त्र चढ़ाएं, तिलक लगाएं और उसी के साथ साथ में भगवान गणपति को आप भोग के रूप में लड्डू का भोग जरूर लगावें, दुर्वा जरूर चढ़ाएं। हो सके तो हम लोग भगवान गणपति को पान, जिसे हम तांबूल कहते हैं, उसको भी चढ़ाया जाता है। तो आप मीठा पान बना हुआ मार्केट में मिल जाता है, वो भी भगवान गणपति को चढ़ाते हैं क्योंकि भगवान उससे भी अति प्रसन्न होते हैं। पर भगवान गणपति को दुर्वा हम लोग जरूर चढ़ाएं और दुर्वा चढ़ाने से भगवान गणपति जी प्रसन्न होते हैं और भगवान गणपति के सामने कम से कम 3 या 5 इतने मोदक बना करके भगवान गणपति को जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि मोदक चढ़ाने से भी भगवान श्री गणपति प्रसन्न होते हैं। ये सब भगवान की पूजा करने के बाद भगवान गणपति जी के बीज मंत्र ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का आप लोग जो है जाप करें। अगर आप भगवान गणपति के मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद भगवान गणपति जी की आरती करते हैं और जब आप गणपति जी की पूजा करते हैं तो उनके पूरे परिवार का नाम जरूर लीजिएगा, माता पार्वती, भगवान श्री भोलेनाथ, उनके भाई कार्तिकेय जी, सबका पूजन एक साथ कीजिएगा। उससे गणपति जी अति प्रसन्न रहते हैं और भगवान की आरती करते हैं तो उससे शुभ रहता है जी।